करेंगे 23 यहाँ से क्लास 12th वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं नीट के लिए इस बार नीट जो 26 जुलाई 2020 को होना है तो पहला क्वेश्चन अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर व्हिच इज इन द सेप ऑफ ए ट्रंकेटेड कोन मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन सबके लिए करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ठीक है भाई करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर व्हिच इज इन द शेप ऑफ ए शेप दे रखा भाई ट्रंकेटेड कोन का V1 तो दूसरा कलर ले लेता हूँ बेटर रहेगा ये एक कोन है? इस कोन में दो सेक्शन है सेक्शन वन सेक्शन टू V1 V2 वी टू ड्रिफ्ट फिलोस्टी है तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट फिलोसिटी होगी कुछ तो चार ऑप्शन है एंड एनी ऑफ दिस मतलब कुछ भी हो सकता है एवरी थिंग इज पॉसिबल तो करते हैं क्वेश्चन सबसे पहले तो इसका बेसिक डिस्कस करते हैं करंट ड्रिफ्ट फिलोस इन सबका बेसिक इनके बीच में गवर्निंग इक्वेशन हमको मालूम है जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में हम करेंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं किसी कंडक्टर में तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफ्ट वेलोसिटी से चलने लगते हैं तो वो जो डिफ्ट करंट आती है उस डिफ्ट वेलोसिटी की वजह से उसकी जो इक्वेशन होती है गवर्निंग इक्वेशन होती है वो होती है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी ये होती है गवर्निंग इक्वेशन आई इज इक्वल टू एन ई वी डी में आई होती है डिफ्ट करंट एन होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफकोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ए होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर्स वी डी है ऑफ इलेक्ट्रॉन तो देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में इसका क्या एप्लीकेशन है भाई जब करंट चलेगी अब देखिए करंट कैसे चलेगी करंट चलेगी वन से टू की तरफ बैटरी से देखें पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ एनोड से कैथोड की तरफ वन से टू की तरफ करंट चलेगी तो करंट क्या होता है करंट एक तरीके से आप समझ लो फ्लो ऑफ चार्ज क्या है जितना भी हमको मिलेगा उतना ही आगे जाएगा क्रिच ऑफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्रिच ऑफ फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ही एक तरीके से एप्लीकेशन है किसी भी क्रॉस सेक्शन पे कोई भी अगर हम इस पूरे ट्रंकेटेड कोन में कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लें मैं एक यहाँ पर रेंडम सा क्रॉस सेक्शन बना देता हूँ ये एक रैंडम सा क्रॉस सेक्शन है तो जितना चार्ज इसको लेफ्ट से आ रहा होगा उतना ही चार्ज राइट में रिलीज हो रहा होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक तरीके से कंटिन्यूटी ऑफ चार्ज जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा जैसे हीट के लिए होता है जितनी हीट आएगी उतनी हीट जाएगी किसी भी क्रॉस सेक्शन पे स्टडी स्टेट में तो देखिए चार्ज कहीं पे डिपॉजिट नहीं हो सकता नहीं हो सकता चार्ज का कोई सोर्स नहीं होता कोई सिंक नहीं होता तो जितना भी किसी क्रॉस सेक्शन में चार्ज आता है उतना जाता है जितनी करंट आती है उतनी जाती है यही के चौफसला होता है तो इसका मतलब है कि इस टंकेटेड कोन में करंट की अगर हम बात करें तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास करने वाली करंट चाहे वो ये वाला क्रॉस सेक्शन हो चाहे वो ये वाला क्रॉस सेक्शन हो किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास करने वाली जो करंट होगी वो हर केस में सेम होगी यानी कि क्रॉस सेक्शन वन और क्रॉस सेक्शन टू से जाने वाली करंट पक्की बात है सेम होगी। क्रॉस सेक्शन और क्रॉस सेक्शन टू से जाने वाली जो करंट होगी वो हर हालत में सेम होगी आई वन इज इक्वल टू आई टू जरूर होगा करंट वन से टू से इनफैक्ट बीच में भी अगर कोई क्रॉस सेक्शन ले लेते है? तो उससे पास करने वाली करंट भी सेम ही होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से अब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि करंट अगर सेम है सेम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन भाई सेम मटेरियल मटेरियल का वायर है material तो चेंज हो नहीं रहा मेटीरियल से टू के बीच में तो N भी सेम है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई e, ये तो कह रहा है में सेम हो ही होगा तो आई सेम है एन सेम है ई e सेम है यानी कि ए इंटू की वैल्यू कॉन्स्टेंट है ए इंटू की वैल्यू कॉन्स्टेंट यानी कि वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया प्रोपोर्शनल टू एरिया प्रोपोर्शनल टू एरिया है तो एरिया के इनवर्स का मतलब क्या है जहाँ पे एरिया छोटा होगा नैरो होगा अतला होगा वायर वहां पर डिफ्टलॉसटी ज्यादा होगी जहां पे ब्रॉड होगा चौड़ा होगा ए ज्यादा होगा वहां पर डिफ्टॉसिटी कम होगी तो इसका मतलब है कि क्रॉस सेक्शन वन जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है वहाँ पर डिफिलोसिटी ज़्यादा है यानी कि v1 v2 से बड़ा है v1 वन than देन एरिया के इनवर्स है एरिया छोटा और बड़ी इसलिए v1 वन than देन तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज की I इज उल्ट टू एन ई ए वी डी की कॉन्सेप्ट यूज की तो ये डिफ्ट डिफ्टफिलोसिटी का टॉपिक मुझे इस साल के लिए नीट दो के लिए नीट ट्वेंटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है और डिफ से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन याद रखनी चाहिए आई इज इक्ल टू एनी ए वीडी वैसे इस क्वेश्चन को तो ये हो चुका है बट इस क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं आई इज इकल टू एनी वीडी का एक और फॉर्म होता है एरिया इधर लिया हो तो ये बन जाता है जे इज टू एनी वी डी जो वीडी होती है डिफ वो मोबिलिटी के टर्म्स में होती है म्यू तो ये बन जाएगा जे इज इक्वल टू म्यू एनीम म्यू को सिग्मा लिख लेते हैं तो ये बन जाता है जे इज इक्वल टू सिग्मा ई यही होता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स जे इज इक्वल टू सिग्मा ई जे जहाँ पे करंट डेंसिटी होती है सिग्मा मटेरियल की कंडक्टिविटी होती है और ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है जे इज इक्वल टू ई ये आपको याद रखना है और आई इज इक्वल टू एनी वीडी ड्रिफ लोस्टी से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो जे इज इक्वल टू सिग्माई आई इज इक्वल टू एन ए वी डी वी डी इज इक्वल टू म्यू ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफ में रिलेशन जहाँ पे म्यू इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होती है इन तीन इक्वेशंस के इर्द गिर्द ही घूमेगा इसको अगर आप तीनों इक्वेशन को एब्जॉर्व कर लो तो पक्की बात है डिफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे एन अगर आप पढ़ो तो उसमें डिफ्ट डिफ्टलॉसटी कंडक्टर्स में डिफ्ट डिफ्टलॉसटी के थ्रू कैसे डिफ करंट आती है ये पूरा एक सेक्शन अलग से डिस्कस किया गया है और इस पर क्वेश्चन रिसेंट ईयर में नहीं आए हैं तो मेरी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से ये चैप्टर ये चैप्टर का ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस सारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव ऑन करते हैं ट्वेंटी